नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पौड़ी के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता की कथित रूप से उसके रिजॉर्ट संचालक ने हत्या कर दी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। धामी ने कहा कि मामले की विशेष जांच दल यानी कि SIT से जांच की जा रही है और निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाने और पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है। आगे उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है। यानी कि जो मांग विपक्ष कर रहा था कि फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई होनी चाहिए, ये पूरा केस चलना चाहिए, उसका अनुरोध न्यायालय से किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इसके साथ ही साथ पूरा विपक्ष सड़कों पर है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। इसके अलावा कई तरह के आरोप वो सरकार पर भी लगा रहे हैं, जो मंत्री हैं उस पर भी लगा रहे हैं, बाकी जो विधायक वहां पर मौजूद थे उन पर भी कई तरह के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो पौड़ी जिले के अमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनतारा रिजॉर्ट का ये पूरा मामला है, जहां पर अंकिता भंडारी की हत्या से कई दिनों से पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, आज CM धामी ने घोषणा की है कि 25 लाख की आर्थिक सहायता जो है वो अंकिता भंडारी के परिवार को की जाएगी। इसके अलावा जो मांग लगातार विपक्ष कर रहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चलना चाहिए, पूरा केस चलना चाहिए, उसको लेकर भी CM धामी ने कहा है कि हमने न्यायालय से ये गुहार लगाई है, इस गुजारिश की है कि फास्ट ट्रैक अदालत में ये पूरी सुनवाई हो इस केस में। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अंकिता भंडारी का जो केस था, जिस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या की गई और उसके बाद से ही जो विरोध प्रदर्शन है, ना केवल विपक्षी दलों ने बल्कि आम जनता और प्रदेश की जो जनता है जिन्होंने अंकिता को अपनी बेटी की तरह समझा, उन सभी लोगों ने सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने की कोशिश की और विपक्ष के, इसके साथ ही वो लगातार मांग भी कर रहे थे कि इस मामले पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही कोर्ट इस पर जल्द से जल्द बड़े फैसले ले, यानी कि अंकिता के जो हत्यारे हैं तीनों, उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही तीनों ही अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया और तीनों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब तक इस पर काम किया जाएगा, यानी कि कब तक कोर्ट इस पर एक्शन भी लेता है। इसको लेकर राज्य सरकार ने भी अपील की है कि न्यायालय इस पर फास्टेस्ट कोर्ट पर इस पर सुनवाई की जाए, ताकि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अगर कहा जाए तो राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अंकिता भंडारी के परिवार को दी है और साथ ही ये भी कहा है कि किसी तरीके की कोई भी कोतवाही नहीं बरती जाएगी इस पूरे मामले पर, और इसको लेकर SIT का भी गठन कर दिया गया है जिस पर SIT लगातार जांच कर रही है और तमाम जो साक्ष्य हैं जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी उस रिजॉर्ट में लगातार STRF की टीम जा रही है और साथ ही बेहतर काम करती हुई भी नजर आ रही है और जितने भी साक्ष्य उनको मिल रहे हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इसके अलावा जो पूर्व में कर्मचारी उस रिजॉर्ट में काम करते थे जो छोड़ चुके हैं, उन सभी को भी पुलिस द्वारा बुलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आखिरकार सारी चीजें साफ हो जाएं कि आखिरकार ये पहला ही मसला उस रिजॉर्ट का था, इससे पहले भी इस तरह की कई अलावा जो एक नाम सबसे सामने आ रहा है वो ये है कि जो भाजपा की विधायिका हैं उनका नाम बहुत सामने आ रहा है कि जब आगजनी हुई इस रिजॉर्ट में, लोगों ने आग लगाई तब भी वो वहां पर मौजूद थी, मॉर्चरी में जब अंकिता के शव को रखा गया था वो वहां पर परिवार से पहले मौजूद थी, तो शक के घेरे में वो भी आ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो हर जगह क्यों मौजूद थी, विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो आम जनता थी वो काफी आक्रोशित नजर आ रही थी और यही वजह है कि विधायक को भी उन लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। यहाँ तक कि बड़ी चीज ये है कि जो विधायिका है, जब अंकिता का पोस्टमार्टम हो रहा था उस समय भी लोगों ने उनकी गाड़ी पे पथराव किया और उनको उस स्थान से भगाते हुए ये कहा गया कि आप जैसे नेताओं की वजह से इस तरीके की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कुल मिलाकर जनता का रोष बहुत ज्यादा विधायक को लेकर भी नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि
जो अंकित पुलकित आर्य थे, क्योंकि उनके पिताजी भी बीजेपी और संघ से जुड़े हुए थे, तो ये बड़ी वजह थी कि लोगों का आक्रोश बीजेपी पर ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मसले पर एक्शन मोड पर नजर आया और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द दोषियों को भी पुलिस के हिरासत में लिया और उनके परिवार के जो सदस्य चाहे वो सरकार के से जुड़े हों या संघ से जुड़े हों उनको पार्टी से भी निष्कासित किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सभी लोग शांत होते हुए भी नजर आए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अंकिता भंडारी से पहले जितने भी कर्मचारी उस रिसोर्ट में काम करते थे उन सभी को बुलाया जा रहा है, उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है कि आखिरकार वो किस समय से किस समय तक इस रिसोर्ट में काम करते थे और इस रिसोर्ट में किस तरीके की गतिविधियां रहती थी, इस पर भी पुलिस की पैनी नजर नजर आ रही है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि पुलकित आर्य का जो परिवार हरिद्वार में रहता था, जिस मकान में रहता था, वो उस मकान को छोड़कर कहीं चले गए। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से उनसे कोई भी सुनवाई और बातचीत नहीं की गई है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस उनको भी ढूंढकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और उनको भी सभी चीजों के लिए अपने साक्ष्य प्रस्तुत पुलिस के सामने करने होंगे। जी ठीक है सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए 25 लाख की आर्थिक मदद परिवार को देने की घोषणा की है, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा, ऐसा धामी का कहना है। इसके अलावा देखा जाए तो विपक्ष सड़कों पर है, आम जनता सड़कों पर है, हर कोई अंकिता के लिए इंसाफ मांग रहा है। साथ ही साथ जो कर्मचारी पहले इस रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं उनको भी लगातार बुलाया जा रहा है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।